हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 2 जनवरी 2022 सर्वार्थ सिद्धि योग में आ रही साल की पहली पौष रविवार पितृ अमावस्या शुभ तिथि पूजा विधि महत्व और साथ ही जानेंगे इस दिन किए जाने वाले एक महा उपाय के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और साथ ही फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पौष का महीना चल रहा है और पौष मास पूर्वजों को समर्पित होता है, जिस कारण इस माह को छोटा पितृ पक्ष भी कहते हैं। पौष माह की अमावस्या तिथि बेहद खास मानी जाती है, क्योंकि अमावस्या तिथि का संबंध पितरों से होता है। पंचांग के अनुसार इस साल पौष मास और साल की पहली अमावस्या 2 जनवरी रविवार को है। इसके अलावा पौष अमावस्या पर सुबह 7:14 से शाम 4:23 तक सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। इस विशेष योग में श्रद्धा पूर्वक किया गया कोई भी काम अवश्य सफल होता है। तो आइए जानते हैं पितरों को समर्पित इस तिथि पर आपको क्या करना चाहिए। आइए जान लेते हैं पौष अमावस्या शुभ मुहूर्त के बारे में। पौष अमावस्या तिथि होगी 2 जनवरी दिन रविवार को। पौष कृष्ण अमावस्या प्रारंभ होगी 2 जनवरी प्रातःकाल 3:41 पर। पौष कृष्ण अमावस्या समाप्त होगी 3 जनवरी प्रातःकाल 12:02 पर। अमावस्या की उदया तिथि 2 जनवरी को प्राप्त हो रही है, इसलिए पौष अमावस्या 2 जनवरी दिन रविवार को है। आइए जान लेते हैं पौष अमावस्या विधि के बारे में। पौष अमावस्या पर पितरों के तर्पण का विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदी जलाशय या कुंड में स्नान कर सूर्य देव को तांबे के पात्र में शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल रंग के पुष्प डालकर अर्घ देकर पितरों का तर्पण करें। इसके बाद किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। जिन व्यक्तियों की कुंडली में पितृ दोष हो उन्हें अमावस्या पर उपवास कर पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष का पूजन और तुलसी के पौधे की परिक्रमा भी करनी चाहिए। पौष अमावस्या का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए जान लेते हैं पौष अमावस्या के महत्व के बारे में। पौष माह पितरों को समर्पित है, इसलिए पौष माह की अमावस्या पितृ अमावस्या बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन प्रातःकाल पवित्र नदी में स्नान कर पितरों का स्मरण कर जरूरतमंदों को उनकी जरूरत की वस्तुएं, अन्न वस्त्र सोना और गाय का दान करने का विशेष महत्व है। इस अमावस्या पर पितृ तर्पण पिंड दान श्राद्ध करने से पितरों को आत्म शांति मिलती है और वे तृप्त होकर आपको सुखी एवं समृद्ध जीवन का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त दान धर्म के कार्यों से जन्म जन्मांतर के पितृ दोषों से भी मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं इस दिन क्या करें। पौष पितृ अमावस्या के दिन स्नान के बाद एक लोटे में जल लें। अब इसमें लाल फूल और काले तिल डालें। इसके बाद अपने पितरों का स्मरण करते हुए सूर्य देव को यह जल अर्पित कर दें। इसके बाद एक लोटा जल पीपल वृक्ष को अर्पित करें और 108 बार परिक्रमा करें। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त जरूरतमंदों को तिल, तिल के लड्डू, तिल का तेल, आंवला, कंबल व वस्त्र आदि सामर्थ्य के अनुसार दान कर दें। करियर में सफलता के लिए अमावस्या की रात को 5 लाल फूल और 5 दिए जलाकर अपनी मनोकामना के साथ इसे बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें। इस विशेष दिन पितरों की आत्म शांति के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें। पितरों के निमित्त ये सभी काम आप सुबह 11:30 से दोपहर 2:30 तक कर सकते हैं। इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपको पितृ दोषों से मुक्ति मिलेगी।